जिले के शिवरामपुर घाट पर संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में गंगा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में संपूर्ण भारत में अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के उद्देश्य से लगभग 1100 जल स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बलिया के गंगा घाट पर संयोजक मुन्ना चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा की सफाई कर रहे हैं। संयोजक ने बताया कि पूरे भारत में 1100 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का 23 फरवरी का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम हर साल 23 फरवरी ही मनाते थे, लेकिन समय का सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने इस 26 फरवरी इसलिए रखा है कि आज संडे का दिन है और लगभग 1100 जगहों पर जहां समुद्र झील नदी नाला या कुआं और गंगा जी की सफाई हो रहा है हिंदुस्तान में, और इस तरह के कार्यक्रम सदगुरु माता जी की कृपा से जो हमारे केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी हैं जो केंद्र सरकार के ऑफिशियल है तो हमारे आदरणीय सुखेजा जी के साथ जो उनका मीटिंग हुआ था उसमें यही हुआ कि एक अमृत प्रोजेक्ट का जो हमारे राजपिता जी के द्वारा दिया गया कि अमृत प्रोजेक्ट यानी ये जो प्रोजेक्ट है जो ये सफाई अभियान है ये आज ही नहीं बल्कि ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये सतगुरु जैसे हम वृक्ष भी पहले लगाते थे, ब्लड डोनेशन भी हमारा मिशन करता है, यानी जगह जगह पर जो भी धार्मिक कार्य होता है या जैसे आपदा हो जाए या कहीं आग लग जाए या कहीं भूकंप आ जाए तो मिशन आगे चढ़ बढ़ कर इस कार्य को करने का बखूबी अंजाम देता है। निरंकारी मिशन के तहत जो निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं जो आज ये आपके बलिया जनपद के गंगा घाट पे नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से ये पूरे विश्व में अपने अनुयायियों को ये निर्देशित किया गया है कि भारत में तमाम नदियों पे जा कर के गंगा जी के घाट पे जा कर के जो एक मानवता और शांति का संदेश ये निरंकारी मिशन आज से ही नहीं बल्कि ये सदियों सदियों से देता आ रहा है। और निरंकारी मिशन का ये मूल सिद्धांत है कि पूरे विश्व में समरसता कायम किया जाए, आज उसी के तहत जनपद बलिया में निरंकारी मिशन की सभी और सेवा दल के सभी भाई बहन आपके साथ आपके बीच में मौजूद है और माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से उनके सभी अनुयायी आकर के उसके उनके दिशा निर्देशन के तहत आकर के आज बलिया जनपद में गंगा घाट की सफाई करने का काम कर रहे हैं। निरंकारी संत निरंकारी मंडल के वॉलंटियर हैं, 10 यूनिट नंबर 925 का पर्सनल नंबर 17 है, सेवा दल के जवान हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी हमारे सेवा दल के अधिकारी, सेवा दल के जवान और ये सेवा दल की बहनें सभी लोगों ने मिलजुल करके जैसा कि माता सुदीक्षा महाराज ने आदेश दिया है उसके हिसाब से अमृत प्रोजेक्ट का स्वच्छ जल स्वच्छ मन का नारा उन्होंने दिया। जैसा भारत सरकार अपना प्रोजेक्ट चला रही है स्वच्छ भारत मिशन जिसमें कि सफाई पे विशेष जोर दिया जा रहा है, जहाँ पे कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को के बारे में बताया जा रहा है, बहुत हर हर गांव तक सॉलिड वेस्ट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लिक्विड वेस्ट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ठीक उसी के तहत आप देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक बहुत हैजार्डस है जिसका कि इम्पैक्ट बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत जगहों पर जलाई जा रही है। आज हम लोग ये प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और ये प्लास्टिक उठ करके कहीं और पे जाएगी, तो आप देखेंगे गंगा के घाटों पे कई जोन में बांटा हुआ है। रेड जोन में आप देखेंगे रेड गुब्बारे लगे हुए हैं जहाँ से कि रेड जोन के बाद से आगे उसके आगे हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक उसी तरह से येलो जोन डिफाइंड है, वहाँ पर जिन महापुरुषों की ड्यूटी लगी होगी वही लोग जाएंगे और बाकी के जोन में हमें सेवा करने का आदेश हुआ है। तो आप देखेंगे कि सभी लोग मिलजुल करके 1100 सिटी में 27 स्टेट में आज सफाई हो रहा है, कहीं ना कहीं पे जो या तो रिवर बॉडीज हैं या फिर कहीं पे पॉन्ड्स की सफाई हो रही है या कहीं गंगा की सफाई हो रही है, यमुना की सफाई हो रही है, हर जगह पे। अभी कल मैं नोएडा से आया तो वहाँ पे एक सूरजपुर में एक पॉन्ड की सफाई करी जा रही है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा घाट है, हमारे लगभग 500 से ज़्यादा सेवा दल के जवान भाई बहनें मिलजुल करके और इस सफाई कार्य का अंजाम दे रहे हैं। जैसे जैसे आदेश आता है हमें सतगुरु माता जी की तरफ से वैसे वैसे हम लोग सभी वॉलंटियर्स मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके इस सफाई अभियान का हिस्सा बनते हैं। धन्यवाद। यूपी साक्ष न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।